बच्चे आपकी एक्सरसाइज 4.2 जैसे चल रही है बेटा, उसका मैं आज पार्ट टू ओनली उठा रही हूँ बेटा। स्टेटमेंट सम है, ध्यान से समझना। अ कोटाज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टन सर्टन यानी कि खास नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, यानी कि डे में एक खास नंबर ऑफ टॉयज वो तैयार करती है। जैसे मान लो वो किसी दिन 100 टॉयज तैयार कर रही है या किसी दिन 120 कर रही है, ऐसे सर्टन नंबर ऑफ टॉयज वो तैयार करती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, ध्यान रखना ईच दिया है, यानी कि हर एक टॉय का जो कॉस्ट है वो जो फाउंड टू बी, फाउंड यानी कि पाया गया, टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। मैंने क्या बोला, जितने नंबर ऑफ टॉयज हैं उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय की कॉस्ट आ जाएगी। प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पर्टिकुलर डे, यानी कि जो पर्टिकुलर डे यानी कि किसी खास दिन, जैसे किसी खास दिन उनको ऑर्डर आ गया या किसी खास दिन स्पेशल है, उस दिन के लिए जो है वो टॉयज तैयार किए जा रहे हैं, तो उस दिन जो है प्रोडक्शन का लेवल दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज रुपीज 750 और टोटल जो है उन्होंने 750 रुपीज का सामान बनाया। मैंने क्या बोला, एक कोटास इंडस्ट्री है वो किसी खास डे खास नंबर ऑफ टॉयज बनाती है, लेकिन कितने टॉयज बनाती है वो हमें नहीं पता, लेकिन एक टॉय कितने का बेचती है, जितने टॉय एक दिन में बनाएगी उसमें से 55 माइनस कर दो तो एक टॉय की कॉस्ट आ जानी है, और किसी खास दिन 750 रुपीज के टोटल टॉयज कंपनी तैयार करती है, तो मुझे टोटल टॉयज बताना है कि उस दिन कितने तैयार हुए। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि कितने टॉयज हैं, तो टॉयज की गिनती जो है वो कितनी है, एक्स बीज हम मान के चल पड़े। कितनी मान के चल पड़े हम टॉयज की गिनती, एक्स मान के चल पड़े। आगे देखो बेटा, आगे है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय, उसने बोला एक टॉय का कॉस्ट कितना है, टोटल नंबर ऑफ जो टॉयज हैं 55 में से माइनस कर दो तो एक टॉय की कॉस्ट आ जानी है, और जो टोटल टॉयज है वो 750 रुपीज के बनते हैं किसी खास डे के ऊपर। ठीक है, अब देखो वो कैसे निकलेगा, ये जो टोटल है कैसे निकलता है, वो निकलता है नंबर ऑफ टॉयज मल्टीप्लाई प्राइस ऑफ वन टॉय। जैसे मैं आप मार्केट गए, आपने शॉप में से पेंसिल्स खरीदनी है, आपने शॉप वाले को बोला कि मुझे 10 पेंसिल्स चाहिए, कितनी पेंसिल्स चाहिए, 10 पेंसिल्स चाहिए, और एक पेंसिल 5 रुपीज की है। ठीक है, 10 पेंसिल्स आपको चाहिए, एक का कॉस्ट 5 रुपीज है, तो आप टोटल कितने पैसे पे करोगे, 50 रुपीज। कैसे पता चला, दोनों को मल्टीप्लाई करके। वैसे ही ये जो 750 है कमा रही है कंपनी, वो मुझे कैसे पता चला, नंबर ऑफ टॉयज जितने टॉयज हैं मल्टीप्लाई कर दो एक टॉय की कॉस्ट से, एक टॉय की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर ऑफ टॉयज को, तो मुझे ये टोटल कॉस्ट मिल जाएगी, यानी कि जितने पैसे मुझे कंपनी को पे करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ टॉयज में कितने मार के चली हूँ, एक्स, एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, 55 माइनस एक्स, किसके इक्वल है टोटल, 750 के इक्वल है। अब मैंने इसको मल्टीप्लाई करा, जरा ध्यान से, ये मैं हर एक वीडियो में आपको बताती हूँ कि फैक्टर कैसे मल्टीप्लाई करने हैं। इस एक्स को 55 से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये करा। अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स है वो नेगेटिव बन रही है, नेगेटिव बननी नहीं चाहिए वो, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहां से चीजें उठाऊंगी इधर वाली तरफ लेके आऊंगी, 55 इस चीज के यहाँ पे प्लस के है ना, तो जब इधर आएंगे 750 के साथ वो माइनस के बन जाएंगे, और ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है ये उधर आगे प्लस के एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद बेटा आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाले आगे लिखने हैं, 55 एक्स यूं के त्यों बहरे पड़े रहने देना, और 750 पीछे, क्योंकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे बड़ी टर्म आगे होती है, फिर छोटी, फिर
साथ एक्स नहीं होता, विल सबसे लास्ट में। अब मैंने आपको फैक्टर बनाने सिखाए हैं, एक गेम की तरह होते हैं कि कोई भी दो नंबर आपने ढूंढने हैं, उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के पर आपको 750 मिलना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के ऊपर आपको क्या मिलना चाहिए, 750। और जब आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करो या नंबर्स को ऐड करो तो आपको मिलना चाहिए 55। यानी कि ये एक सिर्फ गेम की तरह होता है कि दो नंबर्स ढूंढो, नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 750 आना चाहिए, उनको ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो 55 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है भाई, 25 है और 30 है। मल्टीप्लाई करके देखो, 50 का 25 थ्री का 75 आ रहा है और 25 और 30 को ऐड करो तो 55 आ रहा है। समझ में बात। तो इस तरीके से मैंने ये दो नंबर जो ढूंढे हैं बीच में फिट किए, और मैंने आपको सिखाया हुआ है पहले दो फैक्टर अलग करना और ये वाले दो फैक्टर अलग कर दो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको करवाया थी ये चीज, और इस तरीके से मैंने बेटा ये आपके फैक्टर बना दिए। एक फैक्टर आपका x माइनस 30 हो गया और दूसरा फैक्टर आपका x माइनस 25 हो गया। यानी कि x की वैल्यू एक तो 30 निकल गई, एक 25 निकल गई। यानी कि नंबर ऑफ टॉयज जो एक कंपनी प्रोड्यूस करेगी एक दिन में, या तो वो 25 प्रोड्यूस करेगी या फिर वो 30 जो है टॉयज प्रोड्यूस करेगी। तो इस वीडियो में बेटा इतना है, बाकी नेक्स्ट